जो बोला आपको बहुत धन्यवाद, जिसके बाद आपकी पूरी जनता उसको मैं नमन करता हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प भी की, आपके संगठन जितने भी थे व्यापारी ये वो हमारे को बहुत मतलब बल दिया, नहीं तो हम तो बिल्कुल निराश हो चुके थे। नहीं, हमको जाने का बात था, देखिए हम परसों रात में हमको इन्फॉर्म बिजनेस रेजिडेंट से बात किया, लेकिन 14 दिन गुजर गया, हम बाहर में था, फ्लैटफॉर्म एरिया में गया था, ऑनरेबल सीएम मैडम ने भेजा था मुझे, लेकिन हमारा पास इन्फॉर्मेशन आया लेट हुआ। कल हम इन्फॉर्म हुआ, इन्फॉर्म होने का साथ साथ डीएमएसपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म सारे को साथ संपर्क किया और कलकत्ता से डिजास्टर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके हमारा नेवी को बुलाया, आर्मी को बुलाया, आर्मी शायद आ गया, अभी हम स्पॉट में जाएंगे। हम बहुत शर्मिंदा हूँ, 6 दिन गुजर गया, इन लोग का बहुत सफरिंग हुआ, राजस्थान से आया ये लोग हमारा गेस्ट हो चुकी और बंगाल हॉस्पिटल में बहुत आगे है और हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत ह्यूमेनिटेरियन फेस लेकर काम करते हैं। हम लोग माफी मांगा उन लोगों का पास जो डिले हुआ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैप था, लेकिन हम लोग फुल प्रूफ अरेंजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऐसा जस्टा मैनमेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा स्टेट का है, सारे मिलके एक साथ काम करने पड़ेगा, क्योंकि एक क्रॉस बॉर्डर है उधर में सिक्किम है, नेशनल बॉर्डर है बंगाल है और एक पहाड़ी क्षेत्र है तीस्ता नदी, बहुत खतरनाक रिवर है, वर्षा का टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है। हम सारे रिपोर्ट बना रहा है, वो रिपोर्ट हम भेजेंगे हमारा ऑनरेबल सीएम के पास, हम 12 तारीख जा रहा है, 13 तारीख हम न्यूज सेक्रेटरियट में हमारा फुल प्रेजेंट हाई पावर मीटिंग हम लोग करेंगे।